और जिस तरह से ये हम सब युवाओं और बच्चों और बुजुर्गों सबको सत्य के आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी। नुकसान हम सबका है मित्रों, ये हिंदुस्तान हम सबका है। इस हिंदुस्तान में अलग अलग जातियां अलग अलग महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मवर्ष पर ये यात्रा 2 अक्टूबर 2018 से लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म स्थान मुगल सराय जनपद चंदौली से शुरू हुई है। यात्रा आज बांदा जिले के बबेरू तहसील में है। 47वां दिन है। लगभग 28 जिले हम लोग पूरे कर चुके हैं। यात्रा में महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की बात है। नौजवानों के बीच, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, समाज के हर तबके के बीच हम लोग गांधी की विचारधारा को, सत्य अहिंसा के भाव को, और आज जो ये झूठ का प्रभाव चट्टी चौराहों पे, बाज़ार में, नगर में, कस्बे में फैलता जा रहा है, लोग झूठ बोल करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी को हथिया रहे हैं, तो हम लोग चट्टी चौराहों पे जाकर के यही बात कह रहे हैं कि देश सच से चलेगा, सत्य के मार्ग पे चलेगा, अहिंसा के मार्ग पे चलेगा, गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलेगा। और लोग बहुत ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं कि 4-4.5 साल पहले लोगों ने झूठ बोल करके, फरेब दिखा कर करके, भ्रम के जाल में फैला करके लोगों से वोट ले लिया। जब नोटबंदी की बात होती है तो हम लोग चौराहे पे कह रहे हैं इस बात को कि आरबीआई के गवर्नर कोई कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए गए गवर्नर नहीं है। उर्जित पटेल जी ने बयान दिया है कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी ने कहा है कि नोटबंदी ने इस देश में 9 लाख करोड़ का नुकसान किया। तो एक फैसले से 9 लाख करोड़ का नुकसान होता है, इसलिए हम लोग चट्टी चौराहे पर नौजवानों के बीच, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, अक्लियत के लोगों के बीच, समाज